हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स और हेलो पेरेंट्स। देखिए, आज मैं ये वीडियो में जो बनाने जा रही हूँ वो इन तीनों के लिए है कि इन सभी को कोई परेशानी ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो याद करते जाते लेकिन उनको याद नहीं हो पाता, बहुत कठिन आ जाता। वो लिखते हैं, लिख लिख के पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के रटे जाते हैं लेकिन फिर भी उनको याद नहीं होता। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनका बच्चा अच्छे क्लास में अच्छा नहीं है, हमेशा टीचर से उनकी कंप्लेन आते रहती है। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड डिस्टर्ब होता, आप बहुत परेशान हो जाते हो। तीसरा जो है वो टीचर्स के लिए है कि वो टीचर्स जो बच्चों को लेकर परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चे कैसे हैं, पढ़ना नहीं चाहते, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, क्लास में सारा दिन वही एक ही झिक झिक सुनते रहो, सुबह आओ फिर शाम को जाओ फिर सुबह आओ, कॉपी और चेक करो, बहुत सारा टेंशन उनके मन में भर जाता है। तो इस सारी प्रॉब्लम्स का एक हल है, वो एक हल मैं निकालने वाली हूँ आज इस वीडियो के ज़रिए। तो इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें और बिना स्किप किए और देखिए क्या मैं बताने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ढेरों आप शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो और भी जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इसका फ़ायदा, इन वीडियो का फ़ायदा उनको भी मिलना चाहिए। तो देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कुछ 5 ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी जिसके ज़रिए आपके इन प्रॉब्लम्स का, आप सभी का ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल जड़ से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, देखिए ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन देख लीजिए मेरे वीडियोस बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, जो टीचर्स के लिए, जो पेरेंट्स के लिए भी हैं, उन्हें भी आप देखिए, उनसे भी आप जुड़े रहिए और उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी आप बहुत सारा ज्ञान आप ले सकते हो अगर आप चाहें तो। तो ये तो मैं बहुत ही आसान शब्द में आपको बता रही हूँ, जो कठिन शब्द जो आपके लिए हैं, जिसका कारण मेन बेस वही है मेरे ये वीडियो। तो ये वीडियो जिसके ऊपर है, अब मैं उसके लिए मैं आप बातचीत करने वाली हूँ, तो आप वीडियो की तरफ अच्छी तरीके से ध्यान दें और मेरी बातों, हर एक बातों को आप ध्यान से सुने। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर जैसे होता है तो आप मेरे इस वीडियो को सेव भी करके रख सकते हो कि बाद में आप देख सकें, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला देखिए, आप जब बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने समय आपका ध्यान जो है बच्चों की तरफ रहना चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं, ये टीचर्स के लिए जो अच्छे बच्चे हैं, उनको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। एक आपको क्लास मॉनिटर रखना है और क्लास मॉनिटर के ज़रिए उन बच्चों को हैंडल करना है। जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि जो बच्चे हैं उनको लिखने में, पढ़ने में बहुत परेशानी हो जाती है। तो देखिए, आपके जो बच्चे हैं उनके तरफ आपको केयर करना है, उसके लिए आप उनके खान पान की ओर ध्यान दीजिए। अगर आप उनके खान पान की ओर भी अगर ध्यान देंगे तो उससे भी उनको, जैसे बादाम, 4 से 5 बादाम अगर उनको आप भिंगा के और भिंगोने के बाद उनको छीलकर अच्छे से अगर उनको चबा चबा के अगर खाते हैं, तो उनका, बड़े बूढ़े भी पहले से भी कह चुके हैं कि बादाम खाते हैं, खाने से दिमाग तेज़ होता है। तो ये बात एकदम 100% राइट है, तो इस बातों का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो मैंने आपको पहली बात क्या बताई कि आपको इस टीचर्स को, जो क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक आपको क्लास मॉनिटर रखना है, और अगर किसी प्रकार कोई प्रश्न है कोई हो तो वो मॉनिटर के ज़रिए ही आपको पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, आप थोड़े से परेशानी से थोड़ा सा आप दूर रह सकते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे की तरफ खास ध्यान दें कि अगर वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो उनका फुल सपोर्ट आपकी तरफ से उनको, स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप 3 से 4 बादाम अगर रोज़ के उनको अगर खिलाते अगर हैं तो उनका ऑटोमेटिक दिमाग तेज़ होगा और उनको एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करें और आप भी उनका बहुत फुल से पूरा सपोर्ट करें। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात देखिए क्या है कि आप स्टूडेंट्स जब आप पढ़ने जब बैठो तो आप खास तर टाइम टेबल का ध्यान रखो। ये टीचर्स के ऊपर भी लागू होता है, अगर टीचर्स भी एक टाइम टेबल अगर बना लेते हैं अपना, क्योंकि उनका तो एक क्लास एक टाइम टेबल रहता ही लेगी कि इस
पीरियड में उनको जाना है, अपना सब्जेक्ट को पढ़ाना है। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर आप अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लेते हो कि इन इन बच्चों को इस तरीके से मेरे को पढ़ाना है, इन इन बच्चों की तरफ मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपका दिमाग थोड़ा हल्का होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट्स भी अगर अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं, उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर पढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके भी आ सकते हैं। जहां आपके मार्क्स आ रहे हैं 50, 54, 60, 63, तो वहीं आपके मार्क्स आ सकते हैं 80, 87, 90, 92, ठीक है। तो इतने मार्क्स आपके भी आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए, उनके लिए स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ना तो स्टूडेंट्स को, उसमें पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते, और पेरेंट्स को क्या करना, उनका सपोर्ट करना है। चौथी बात क्या है, देखिए आप जब पढ़ने जब बैठो तो आप पढ़ाई की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान को लगाएं। आप इधर उधर टीवी मोबाइल ये वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान आपको नहीं देना। टीचर्स भी सेम, आप क्या करना है, आपको सिर्फ स्टूडेंट्स की ओर ही ध्यान देना और अपने शरीर, अपने शारीरिक व्यायाम की ओर भी थोड़ा ध्यान देना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्री रहेगा। ढेरों वीडियोस आपको मिल जाएंगे YouTube के ज़रिए, जो आपको कुछ व्यायाम ऐसे हैं जो आपको मन शांत करता है, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप मन को शांत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको भी कुछ व्यायाम मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, के आप अपने मन को शांत कर लें, कौन सा व्यायाम करें जिससे आपका मन शांत हो, ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो ये भी आप देख करके अपने मन को शांत कर सकते हो स्टूडेंट। और अपने रात में अगर आप रेगुलर अगर पढ़ रहे हैं, तो आपको रात की नींद अच्छी तरीके से लेनी है। रात में मात्र 3 से 4 घंटे ही आपको पढ़ने हैं। अगर 3 से 4 घंटे आप पढ़ लेते हो, बहुत ध्यान से अगर पढ़ते हो, तो वही पढ़ाई आपके लिए बहुत हो जाएगा। सारे दिन सुबह से लेकर के रात तक का जो टाइम टेबल है वो भी मेरे वीडियो में है, तो उसे भी आप देखिए, उससे भी आपको पता चलेगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना है और किस किस समय से किस समय के अंदर हमको पढ़ना है, और सुबह से लेकर शाम तक का मेरा पढ़ाई कितने का होगा। तो ये हो गए 4 ट्रिक्स मैंने बता चुके। फिफ्थ ट्रिक्स क्या है, देखिए जब आप तीनों, जैसे टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, देखिए एक स्टूडेंट्स स्कूल जाता है तो वो टीचर्स से मिलता है, फिर पीटीएम के ज़रिए वो टीचर्स क्या करते हैं, एक पेरेंट्स से मिलते हैं, ये राइट है, ये आपको भी पता है, ये पेरेंट्स को भी पता है, ये स्टूडेंट्स को पता है। तो अगर किसी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट अगर कोई प्रकार का कोई परेशानी करता है, कुछ भी करता है, तो आप उसे बीच बीच में ज़रूर बताते रहिए, ठीक है। सिर्फ पीटीएम के ज़रिए ही नहीं, आप पीटीएम में क्या होता है कि सिर्फ नंबर्स पता चलते हैं कि बच्चे लोगों के कितने मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में, लेकिन अगर उसी के थ्रू आप अगर, क्योंकि स्कूल में जैसे मुझे पता है कि आधा से पौन घंटे स्कूल में छुट्टी हो जाने के बाद भी टीचर्स को रुकना पड़ता है, तो उस समय पेरेंट्स आप जाकर टीचर्स से मिल सकते हो और आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है ये भी आप उनकी जानकारी ले सकते हो। मुझे यही पता है, ज़्यादा यही होता है स्कूल में, तो इसका आप ध्यान रखिए और टीचर से आप मिलते रहिए। और स्टूडेंट्स आपको भी अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी अगर पढ़ाई में अगर आता है, तो आप टीचर्स से बिल्कुल मिले, और वो उनको भी आपको बताने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में, उनको सीखने का बहुत ज़्यादा आग्रह है, तो वो भी आपको बताने में बहुत इच्छुक रहेंगे। इसलिए आपको भी उनसे पूछना चाहिए। आप घबराइए नहीं कि मुझे टीचर्स डांटेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो आपकी भलाई के लिए ही आपको डांटते हैं। अगर एक पेरेंट्स भी बच्चों को डांटते हैं तो वो भी उनकी भलाई के लिए, कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, यही सोच करके एक पेरेंट्स भी अपने बच्चों को डांटते हैं, वो टीचर्स भी वही सोचकर अपने बच्चों को डांटते हैं, और आप भी यही सोचकर अपने पेरेंट्स से किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से जरूर शेयर करें। इससे क्या होगा, आपके जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आपको हल एकदम मिलने हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीके से मैंने ये तीनों चीज़ों का मैंने हल, मुझे लगता है मैंने निकाल दिया। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या मैं आपके जो मन में जो क्वेश्चंस थे क्या मैं उसमें खरे उतर पाई हूँ, ये मुझे आप ज़रूर बताएं। मुझे, मैं तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारगर हुआ हो साबित, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मेरा कमेंट बॉक्स जो है वो खाली पड़ा है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आपके मन में और कितने सारे प्रश्न हैं, तो उनके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी और सारे क्वेश्चंस की मैं आंसर देने की भी कोशिश करूँगी। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे
सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होगा, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को इनका इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। ये मेरा सोच है, और आपका क्या सोच है आप मुझे बताएं, ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताएं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। आज का वीडियो यहीं तक।